स्वागत है दोस्तों आपका आपकी अपनी YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में दोस्तों आज आप लोग सीखेंगे क्लास नाइन्थ का सांख्यिकी प्रश्नावली चौदह ई तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा यहाँ आपको दोस्तों पढ़ना है समांतर माध्य समांतर माध्य को शार्ट फॉर्म में माध्य भी कहते हैं समांतर माध्य का मतलब होता है यदि कई आंकड़े दिए गए हैं तो समस्त आंकड़ों का योग बटे आकड़ों की संख्या का अगर आप भाग दे देते हैं तो जो आएगा वही समांतर माध्य होगा यानी एक्स बार समांतर को बार से पढ़ते हैं यक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन अपान एन तो इस प्रकार दोस्तों आप समांतर माध्य निकाल लेंगे अगर जैसे कोई आंकड़े दे दिए गए हैं तो सबसे पहले आप सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे और सभी आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे जो आएगा वही समांतर माध्य होगा आप समझ गए होंगे ये कुछ बेसिक फैक्ट थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक से दस तक की धनात्मक पूर्ण सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या है यहाँ पर सम संख्याएँ तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों दो एक और एक से दस तक की तो दो होगा सम संख्या चार होगा छः होगा आठ होगा और दस ये क्या होगी सम संख्याएँ होंगी तो समांतर माध्य या आप माध्य भी लिख सकते हैं चाहे तो आप समांतर माध्य लिख दीजिए तो समांतर माध्य इज़ इक्वल टू जो समस्त संख्याएं ये हैं इन संख्याओं का आपस में योग करेंगे सबसे पहले आप समांतर माध्य का फार्मूला लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन बटे एन ये समांतर माध्य का सिंपल सा फार्मूला होता है तो ये आप फार्मूला लिख लेंगे अब आप क्या करेंगे तो यहाँ से माध्य माध्य बराबर क्या हो जाएगा एक्स वन की जगह पर दो है तो दो लिख देंगे X2 की जगह पर चार है एक थ्री की जगह पर छह है एक फोर की जगह पर आठ है और एक्स फाइव की जगह पर दोस्तों क्या है दस है तो सिंपल सा आप लिखेंगे बटे कर देंगे यन की जगह पर आप इन संख्याओं को देखेंगे कितनी संख्याएं हैं एक संख्या दो संख्या तीन चार पाँच तो यहाँ आप पाँच से डिवाइड कर देंगे जितनी संख्याएं होगी उतनी संख्याओं से आप डिवाइड कर देंगे भाग करेंगे तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे देखिए दोस्तों छः चार दस आठ दो दस बीस हो गया बीस दस तीस तीस, तीस बटे पाँच हो गया तो तीस में पाँच का भाग देंगे तो छः जो कि यही क्या है राइट right आंसर है जो कि यही क्या है समांतर माध्य तो यानी माध्य इज इक्वल टू क्या हो गया माध्य बराबर माध्य बराबर छः यही क्या हो गया आंसर हो गया माध्य को किससे लिखते हैं बार से तो यक्स बार इज इक्वल टू छ तो देखिए दोस्तों ये आप समझ गए होंगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन एक मजदूर की दस दिनों की मजदूरी पहले दिन की सत्तर दूसरे दिन की साठ इसी प्रकार पचहत्तर पचास साठ पचहत्तर पैंसठ पचपन सत्तर और अस्सी रुपये उसकी औसत मजदूरी औसत मजदूरी का मतलब माध्य ही होता है दोस्तों देखिए क्या है दोस्तों यहाँ पर औसत औसत मजदूरी औसत मजदूरी का मतलब वही समांतर माध्य ही होता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों समांतर समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन अपान एन आप इसे सिंपल सा लिख देंगे अब देखिए x1 की जगह पर सत्तर है तो आप सबसे पहले जो मजदूर की मजदूरी दी गई है दस दिनों का आप उसका योग निकालेंगे यानी सत्तर प्लस साठ प्लस पचहत्तर प्लस पचास प्लस साठ प्लस पचहत्तर प्लस पैंसठ प्लस पचपन इस प्रकार आप निकालेंगे पचपन हो गया उसके बाद दोस्तों सत्तर है तो सत्तर लिख देंगे प्लस अस्सी कर देंगे सिंपल सा आप इसको लिखेंगे लिखने के बाद आप यहाँ जितनी संख्याएं दी गई उस संख्या से भाग दे देंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस संख्याएं हैं तो दस से आप सिंपल सा भाग कर देंगे तो ऊपर का योग करेंगे तो योग चलिए करते हैं निकालते हैं तो पाँच 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 दस पाँचते पंद्रह पाँच छो बीस की जीरो हासिल दो हो गया चलिए मैं यहाँ हासिल दो लिख देते हैं और देखिए दोस्तों सात छः सात छः तेरह 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 में सात को जोड़ेंगे बीस पाँच पच्चीस पच्चीस छः इकतीस इकतीस सात अड़तीस अड़तीस छः चवालीस चौवालीस पाँच उनचास उनचास छप्पन छप्पन आठ आठ छः चौदह यानी चौंसठ पैंसठ छाछठ यानी क्या हो गया दोस्तों छः सौ साठ बटे दस हो गया भाग कर देंगे तो छाछठ तो यहाँ से समांतर माध्य यानी x जो कि यही क्या है राइट आंसर है उम्मीद करते हैं आप सिंपल सा समझ गए होंगे इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपली से कर सकते हैं चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए दोस्तों नंबर तीसरा क्वेश्चन आठ संख्याओं का समांतर माध्य पंद्रह है माध्य यानी समांतर माध्य औसत पूछे उसका मतलब भी माध्य यानी समांतर माध्य होता है तो आठ संख्याओं का माध्य पंद्रह है प्रत्येक संख्या को तीन से गुणा करने पर माध्य क्या होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे समांतर समांतर माध्य समांतर माध्य इज़ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर कितना देखिए आठ संख्याओं का समांतर माध्य पंद्रह है तो आठ संख्या तक आप ले जाएंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन प्लस एक्स एट बटे आप क्या कर देंगे सिंपल सा एट कर देंगे यानी आठ संख्याओं का समांतर माध्य पंद्रह अगर आठ संख्याएं दी गई हैं तो आठ है आप यहाँ नीचे भाग करेंगे अगर दस संख्याएं दी गई होती हैं तो दस संख्याओं से आप भाग करते हैं तो आठ संख्याओं का औसत क्या है आठ संख्याओं का समांतर माध्य पंद्रह यानी माध्य की जगह पर पंद्रह हो जाएगा बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स सेवन प्लस एक्स एट हो गया सिंपल सा आप समझ गए होंगे यहाँ तक देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आठ संख्याओं का समांतर माध्य पंद्रह है बटे यहाँ आठ कर देते हैं चलिए बटे आठ हम कर देते हैं तो आठ संख्याओं का समांतर माध्य पंद्रह प्रत्येक संख्या को तीन से गुणा करने पर यानी प्रत्येक संख्या में तीन से गुणा करेंगे यानी इसमें आप तीन से गुणा कर देंगे कोष्टक के बाहर तो प्रत्येक संख्या में तीन से गुणा हो जाएगा तो दोस्तों इसमें तीन से गुणा करेंगे तो इस तरफ भी तीन से गुणा करेंगे तभी तो दोनों पक्षों में गुणा होगा तो यहाँ पंद्रह ती पैतालीस हो जाएगा पैंतालीस बराबर तीन का में गुड़ा कर देंगे तो तीन एक्स वन प्लस तीन एक्स टू प्लस तीन एक्स थ्री प्लस तीन एक्स फोर प्लस डॉट 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 तीन एक्स एट बटे आठ हो जाएगा तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा तीन का गुड़ा करने पर जो निकल कर आए वही क्या होगा समांतर माध्य यहाँ से समांतर माध्य क्या निकल कर आएगा समांतर माध्य बराबर पैंतालीस निकल कर आएगा क्यों निकल कर आएगा आप समझ चुके होंगे क्योंकि प्रत्येक संख्या में तीन से गुणा करेंगे तो इस तरफ गुणा करेंगे तो इस तरफ समांतर माध्य में यानी समांतर माध्य में भी तीन से गुणा करेंगे तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो समांतर माध्यज इक्वल टू पैंतालीस निकल कर आएगा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया यदि संख्याओं दो तीन छः और और पाँच एवं एक्स का समांतर माध्य चार है तो यक्स का मान निकालिए तो आप सबसे पहले समांतर माध्य का फार्मूला लिखेंगे तो समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है समांतर माध्य यानी एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट 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 एक्स एन ये समांतर माध्य का फार्मूला होता है बटे एन तो आप सिंपल सा इसे लिख देंगे अब क्वेश्चन में क्या दिया गया यदि संख्याओं दो तीन चार और पाँच एवं एक्स का समांतर माध्य यानी ये संख्याएं दी गई हैं इसका समांतर माध्य चार है तो आप समांतर माध्य की जगह पर चार लिख देंगे सिंपल सा और संख्याएं कितनी दी गई हैं दो तीन छ तो यहाँ दो प्लस करके तीन लिख देंगे प्लस करके छः प्लस करके पाँच प्लस करके, करके, करके एक्स बटे कितना हो जाएगा दोस्तों एक दो तीन चार पाँच तो आप यहाँ पाँच से भाग कर देंगे इस प्रकार समांतर माध्य चार दिया है और संख्याओं का योग आप निकालेंगे बटे पाँच कर देंगे तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा इसका गुणा यहाँ करेंगे तो पाँच का गुणा चार में करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा बीस बराबर इसको जोड़ देंगे पाँच छः पाँच ग्यारह ग्यारह तीन पंद्रह पंद्रह दो सत्रह सत्रह प्लस एक्स हो गया तो दिस इम्प्लाई दोस्तों सत्रह प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा यानी एक्स बराबर क्या हो गया एक्स बराबर बीस यहाँ प्लस का है यहाँ आगे प्लस का चिन्ह इधर आएगा माइनस का सत्रह हो जाएगा रैखिक समीकरण में अगर आपको प्रॉब्लम है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यानी एक्स बराबर क्या हो गया तीन निकल, निकल कर आएगा उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो दोस्तों ये बड़ा लंबा सा है अगर मैं यहाँ आपको बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा केवल आपको क्या करना क्या है इन सभी को जोड़कर इन सभी संख्याओं को कितनी बार है एक दो तीन चार पाँच इस प्रकार गिनकर संख्या से भाग कर देना है जो आएगा उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे इसका समांतर माध्य निकालना है तो आप समांतर माध्य निकाल कर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में ज़रूर आया होगा तो इसके अगले क्वेश्चनों को हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा समझ में आया हो तो एक लाइक करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा धन्यवाद